हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चा। आज हम लोग बात करेंगे सुरेश वाडेकर के बारे में। सुरेश वाडेकर एक बहुत ही अच्छे गायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है। शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान है उनको, लेकिन हमारे बॉलीवुड में ऐसा होते आया है कि जो शास्त्रीय गायन सीखा नहीं है उनको काफ़ी सारे गाने मिले हैं, उन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं, काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। लेकिन इसके उलट जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को सीखा है उनको उतना पसंद नहीं किया गया। सुरेश वाडेकर एक ऐसे गायक थे जिनकी विधा जो है, जिनके गाने का जो तरीका था वो बहुत ही अनोखा था। और दूसरी बात यह है कि वो किसी हीरो के आवाज के रूप में अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए, शायद इसीलिए उनको ज्यादा फिल्में नहीं मिली। उन्होंने ऐसे 2000 तक काफी फिल्मों में गाने गाए थे, लेकिन उसके बाद उनको गाने को उतना मौका तो मिला नहीं। मशहूर संगीतकार ए आर रहमान के साथ भी उन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि ए आर रहमान ने काफी सारे फिल्मों में संगीत दिए लेकिन सुरेश वाडेकर के साथ उनका फिर गाना नहीं आया। इस बारे में सुरेश वाडेकर बताते हैं कि बहुत पहले 90s से पहले जब ए आर रहमान को कोई जानता भी नहीं था तो उनकी मुलाकात हुई थी। वो मुंबई में आए थे और वो किसी के साथ आए हुए थे, वो किसी ट्रूप का हिस्सा थे। तो उनसे सुरेश वाडेकर जी को मिलाया गया तो सुरेश वाडेकर जी को पता चला कि ये जो नया लड़का है, तभी उनकी ए आर रहमान साहब की मूछें भी नहीं निकली थी, तो कहा कि एक नया लड़का है और ये सिंथेसाइजर बहुत ही जबरदस्त बजाता है। और खुद वाडेकर साहब ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो सिंथेसाइजर ऐसे बजाता था जैसे कि एकदम पानी, बिल्कुल ही स्मूथ, और वो अपनी सुविधा में काफी निपुण थे। ये कहना है सुरेश वाडेकर जी का। 1992 में जब रोजा हिट हुई, रोजा फिल्म की जब डबिंग हुई मराठी में, तो इनके जितने भी गाने थे सब सुरेश वाडेकर ने गाए थे। सुरेश वाडेकर जी कहते हैं कि एक बार उनको मद्रास से फोन आया, चेन्नई से, तो उनसे कहा गया कि ए आर रहमान साहब आपको अपनी अगली फिल्म जो है उसके लिए गवाना चाहते हैं। और सुरेश वाडेकर जब पहुंचे तो जिस स्टूडियो में पहुंचे वहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़का जिसे दिलीप के नाम से पहचानते थे, जो सिंथेसाइजर काफ़ी बढ़िया बजाता था, जिनसे उनकी मुलाकात हो चुकी थी, तो सुरेश वाडेकर ने उन्हें आवाज़ दी और कहा अरे दिलीप तुम यहाँ। तब उनके बगल में गीतकार महबूब बैठे थे, उन्होंने कहा कि सर ये ए आर रहमान है। तब सुरेश वाडेकर को पता चला कि दिलीप नाम का जो लड़का है उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब अपना नाम उन्होंने ए आर रहमान रखा, यानी कि अल्लाह रखा रहमान है। तो ए आर रहमान भी जब मिले सुरेश वाडेकर से तो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने सुरेश वाडेकर को बताया कि आपका जो गाने का जो धुन है वो मैंने तैयार कर दी है और गाने का मुखड़ा महबूब साहब से देख लीजिए। फिल्म रंगीला का खूबसूरत सा गाना था, तो सुरेश वाडेकर ने कहा कि ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग की डेट तय हुई। और जब वो रिकॉर्ड करने पहुंचे तो सुरेश वाडेकर बताते हैं कि ए आर रहमान का उस समय जो दिनचर्या थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि वो उस वक्त के नए जनरेशन के व्यक्ति थे, तो वो दिन में 12-1 बजे के बाद उठते थे सो के, और उसके बाद जब वो अपने काम में लगते थे तो रात 3-4 बजे तक काम किया करते थे। तो उनसे कहा गया कि नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग है। तो सुरेश वाडेकर वहाँ पर पहुँचे, साथ में साधना सरगम भी थी, तो गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लेकिन सुरेश वाडेकर को देख कर काफ़ी हैरानी हुई और थोड़ा सा झटका ये लगा कि गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त ए आर रहमान सब नहीं है बल्कि उनके असिस्टेंट हैं, वो गाना को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो सुरेश वाडेकर को थोड़ा सा इस बात की तकलीफ हुई कि गाने के वक्त तो संगीतकार को रहना चाहिए, जूनियर पर या अपने असिस्टेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए। गाने की रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद जाकर वो जब साधना सरगम के साथ अपने होटल रिटर्न पहुंच गया तब
एआर रहमान से उन्होंने फोन में बातचीत हुई, तो एआर रहमान साहब ने कहा कि वारिका साहब मैंने गाने की रिकॉर्डिंग सुनी है, अच्छी लगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और चेंज चाहिए। तो सुरेश वाडेकर ने कहा कि क्या चेंजेस है बताइए आप। तो इन दोनों की मुलाकात हुई, तो सुरेश वाडेकर तो पहले से ही थोड़ा सा उनके काम के तरीके से खुश नहीं थे कि रिकॉर्डिंग के समय वो तो थे नहीं, और फिर ये बता रहे हैं कि गाने में थोड़ा सा और चेंजेस चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव उन दोनों के बीच में हुआ, और फिर किसी तरह से गाना तो रिकॉर्डिंग हुआ ही था। उसके बाद सुरेश वाडेकर वापस आ गए, लेकिन उनके बीच में जो थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हुआ था, इसके बाद जाकर न सुरेश वाडेकर ने ए आर रहमान से कॉन्टेक्ट किया किसी गाने के लिए या किसी काम के लिए, ना ही ए आर रहमान ने वापस कभी सुरेश वाडेकर को ये कहा कि आप मेरी अगले किसी प्रोजेक्ट में काम कीजिए। लेकिन सुरेश वाडेकर इसके बावजूद कहते हैं कि हमारे काम करने के तरीके में भिन्नताएँ हो सकती हैं, मुझे उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ए आर रहमान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, और उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ भी दी और कहा कि ए आर रहमान इसी तरह से म्यूज़िक के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट कर अनसुनी अनदेखी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।